people, welcome back in another video. So कैसे हो आप सब? I hope you all are doing well and great. So guys, तो आज का जो video होने वाला है guys, ये है unboxing. So मैंने लिया है Swiss stand, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस चीज का. So guys, Flipkart में ना अभी 50-80% का discount sale जो चल रहा है guys, उसमें मैंने ये shoe rack लिया है, जो क्योंकि मेरे जूते इधर से उधर बिखरे हुए हैं. So अच्छा, हमको सिखा रही है. मुझे अच्छे से उसको रखने के लिए एक शू स्टैंड चाहिए था, जो कि मैंने परचेस किया फ्लिपकार्ट से, और गाइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेस किया है. सो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो. सो गाइस, शू रैक जो मैंने लिया है गाइस, वो है आई थिंक उसका जो प्राइस है वो है 650 के आसपास में. सो गाइस, आज हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसा रिसीव हुआ है. वेल गाइज, ये है प्लास्टिक का, और लाइक इसमें सब कुछ दे दिया हुआ है, जो भी मटेरियल्स वगैरह जो चाहिए हमें एक स्टैंड बनाने के लिए, वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है. सो गाइज, जो ये शू स्टैंड मैंने लिया है, ये 6 सेल्स का है, और बहुत ही अच्छा है. देखने के बाद तो लग रहा है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो चलो लोग बनाते हैं, है ना. और गाइज, ये जो इसका जो कवर है गाइज, जो मैंने कलर जो लिया है वो है ग्रे कलर का लिया है. तो आप कवर देख सकते हैं, है ना. तो मैं खोल कर भी दिखाती हूँ इसे कैसा. ओके, सो वेल गाइस, ये है सेल्फ्स, और ये है 6 सेल्फ्स, है ना. और हमको ये पूरा कम्प्लीटली बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हमको इसका यूज करना पड़ेगा. और गाइस, ये है कवर, है ना, जो कि कलर जो मैंने लिया है ग्रे कलर का है. तो चलो मैं बना के दिखाती हूँ, है ना. सो आप वीडियो पे बने रहो, है ना, जब तक मैं बन ना जाए. ओके, सो गाइस, ये बन गया स्टैंड. अब इसके ऊपर में हम कवर लगाएंगे. सो कवर लगाने के बाद में मैं दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है ना. सो कवर लगा लेते हैं पहले. ओके, सो गाइस, ये है फाइनल लुक, है ना. सो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो, इस पे चेन भी है, इजीली आप इसको बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, है ना. और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें है 6 सेल्स, और थोड़ा सा मुझे अगर इसका थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो, जो ये सेल्फ का जो ये कपड़ा जो दिया हुआ है, ये थोड़ा सा पतला लगा मुझे, और थोड़ा मोटा देना चाहिए था. और जो स्टिचिंग जो दिया हुआ है इसमें, थोड़ा सा अच्छा से करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्टिचिंग खुल जाएगा. सो थोड़ा सा स्टिचिंग और कपड़ा का क्वालिटी में थोड़ा सा इनको थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी देना चाहिए, बाकी बात सब कुछ अच्छा है. लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम तक ये चलने वाला है. सो गाइज, इसमें ना एक पॉकेट जैसा भी दिया हुआ है, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, है ना. सो दिस ऑल गाइज, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय.